दोस्तों अलविदा अजमेर शरीफ को अलविदा कहते हुए आगे की जानी बढ़ रहे हैं। अभी 2 बजे की हमारी ट्रेन है। सस्पेंस खेलेंगे। अभी आगे कहाँ जा रहे हो आपको बाद में बताते हैं। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, चलिए शुक्रिया। तो दोस्तों निकल चुके हैं आगे के लिए। अब अजमेर शरीफ से जम्मू जाने का बेस्ट तरीका यही है कि अजमेर से 2 बजे 2:05 की ट्रेन है। सुबह सुबह एकदम जम्मू उतारती है। वहाँ से आप आगे चल के थोड़ा सा वहाँ से रिक्शा ले लो या बस मिल जाती है। वहाँ से फिर आप तवेरा वगैरह लेके ऊपर श्रीनगर या पहलगाम जहाँ आपको जाना है वहाँ जा सकते हो। तो यही बेस्ट तरीका है। अब आगे देखते आइए, हम आपको पूरा गाइड करते हैं। ओके, तो दोस्तों फाइनली जम्मू स्टेशन पहुंच चुके हैं। बात नहीं कर रहे। चलो अभी आगे बताते हैं आपको कैसा कैसा ट्रैवल करने का। दोस्तों जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू से बाहर निकलने के बाद टैक्सी स्टैंड पे आके अंदर थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, वरना आपको काटेंगे पैसे में ज्यादा। हम लोग ने 700-700 रुपये में बनाए श्रीनगर तक, 700 रुपये में। और 700 रुपये भी इसलिए हम लोग दे रहे हैं क्योंकि इनोवा है। हम लोग चार थे तो चारों को लेके ही बोला चल निकलते, वरना मैं 600 में ही ये करता, डन करता। तो अभी 700 रुपये में डन हुआ है, चलते। ओ यही खड़े लो, ये जम्मू रेलवे स्टेशन से निकले। आ जाओ गरीबो। ये देखिए, ये हमारा गरीब भांजा, ये हमारा गरीब दोस्त तमसील टूटे। दोस्तों जम्मू से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ। ये देखिए हमारे पप्पू भाई, इनकी गाड़ी में बैठे हैं हम। जम्मू तवी है ये दोस्तों। ये जो जम्मू तवी नदी कहाँ जाता है वो यही नदी है। रफ्तार काफी है फिर भी आप समझ लो। हाँ हाँ, फर्स्ट टोल प्लाजा आ चुका है। सेकंड टनल, फर्स्ट टनल की हम वीडियो निकालना रह गया खाते खाते। श्रीनगर जाते हुए दूसरा टनल। फ्यूल फिलिंग के लिए स्टॉप लिया गया है हमारे भांजे। दोस्तों गोमपुर क्रॉस करके 1.5 घंटा हो गया। अभी यहाँ पे रुके हैं खाने के लिए। ये है जायका रेस्टोरेंट, यहीं पे रुके हैं। ये देखिए, ये है जायका रेस्टोरेंट, यहाँ पे रुके हैं। ये कश्मीर का स्पेशल है पराठा, पूरी जैसा लगता है, चाय वगैरह के साथ खाते हैं इसको। ये चिकन का सालन, रोगन जोश, ये भाई ने हमें खिलाया। क्या नाम है भाई आपका? सर अकरम। अकरम भाई ने हमें खिलाया, भाई का शुक्रिया, भाई का शुक्रिया। और ये रोटी, बहुत भूखे है आज भी, ये सफर में काफी भूखे के बाद खाना मिल रहा है। बेहतरीन। यहाँ जिस होटल में रुके उसकी टेरिस से सीन चेक कीजिए, जबरदस्त। तो दोस्तों जायका में दबा के खाए, बड़ा मजा आया। पप्पू भाई ने एडवाइस किया था जायका का, बहुत ही अच्छा था। दोस्तों ये नया रोड है, मतलब अभी नया हो के भी टाइम हो गया है, इसकी वजह से रास्ता काफी आसान हो गया है। जो 12-14 घंटे लगते थे अभी हम 6 घंटे में पहुंचते हैं। अभी ये टनल आने वाला है आगे, अभी हम आपको बताते हैं टनल। देखिए आगे जैसा ये टोल क्रॉस होगा वैसा टनल आएगा, हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों टनल, ये कितने किलोमीटर का टनल पप्पू है? 11 किलोमीटर का टनल है। ये देखिए, हाँ हाँ, जबरदस्त, क्या सीन है। 11 किलोमीटर तक यही नज़ारा है, इसकी वजह से। और आगे एक और टनल बना है पानीहल के पास, उसकी वजह से रास्ता सिर्फ 6 घंटे का हो गया। दोस्तों
कम से कम 8 से 9 मिनट से यही चल रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम में बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलेंगे आपको नज़ारा कराते हैं। एक्चुअली हमारे आगे एक तवेरा गाड़ी है, उसके आगे ट्रक है और वो ट्रक 50 की स्पीड में ही चल रही है। यहाँ पे लिमिट भी 50 की दी है, 50 की स्पीड में ही चल रही है, इसलिए इतना स्लो चल रहा है मामला, तो गाड़ी तो काफ़ी 80-80 में निकल जाती है। तो गाड़ी फाइनली निकल गए बाहर, ये देखिए, हाँ, फाइनली बाहर निकले हैं। कम से कम 18 से 20 मिनट लगे होंगे ये ट्रक की वजह से, जो आगे ट्रक चल रही है उसकी वजह से, नहीं तो शायद थोड़ा जल्दी निकल जाते। भयानक ट्रैफिक जाम लगी है, चलो बाहर निकल के आपको बताता हूँ। ये देखो ये ट्रैफिक देखिए कहाँ तक है, ये काफ़ी पीछे तक है। ये चनाब बह रही है, यही न चनाब है जो पाकिस्तान को जाके मिलती है। बानियाल आ गया है दोस्तों, ये देखिए बानियाल मार्केट, ये मस्जिद बानियाल की। ये देखिए बानियाल स्टेशन, बस अभी आगे बानियाल की टनल जो अभी नहीं ओपन हुई है वो चालू होंगी, वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये टनल चालू हो गया बानियाल वाला, अभी ये 9 किलोमीटर का टनल है, जबरदस्त। ये देखिए क्या बात, क्या बात, ये वन साइड है। इसी वजह से रास्ता 3 घंटे का कम हो गया है। टनल में भी ट्रैफिक है, बोलो भाई क्या बोलने का, क्यों ट्रैफिक है अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये 9 किलोमीटर का है, ट्रैफिक लगी थी उसके बाद भी 10 मिनट में हम लोग क्रॉस कर गए। 3-4 मिनट की ट्रैफिक थी और 10 मिनट में क्रॉस कर गए। हाँ क्वालिटी देखिए सेब की, ये ग्रीन एप्पल्स नॉर्मल, ये छोटे एप्पल्स हैं, ये ग्रीन एप्पल, ये रेड एप्पल, क्वालिटी देखिए जबरदस्त। तो दोस्तों हम मंदिर मकसूद तक पहुंच गए, लेकिन मैं कल व्लॉग को एंड करने भूल गया था, उसके लिए सॉरी। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, शुक्रिया। अब आगे के व्लॉग में हम आपको पहलगाम की दरगाह ऐश मुकाम की ज़्यारत कराएंगे, जहाँ पे बजरंगी भजन वगैरह की शूटिंग हुई है, तो अगले व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए।